अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ कमर यास। ये सामने जो आपको एरिया नज़र आ रहा है अभी, ये मैं आपका MR6 है, बी ब्लॉक का MR6। और ये वाले आपके वो सामने जो इसके MR6 के ऊपर है वो 700-800 के नंबर्स हैं, 3570-10 मरला। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये MR6 पहले जहाँ तक होता था, अब इन्होंने पिछले दिनों कब्ज़ा लेकर और अब ये सारा एरिया क्लियर कर दिया हुआ है। और ये अच्छा खासा एरिया इन्होंने पिछले दिनों में पोजेशन में लेकर और अब इस पर कटाई लिखी हुई है। और थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि यही आपका MR6 स्टेट जाएगा आपके 2100-2200 के नंबर को जो टच कर रहा है। तो बीच में ये जो थोड़ा सा पैच रहता था, ये मतलब अभी भी रहता है, यहाँ तक इन्होंने अब कब्ज़ा लिया। इससे आगे थोड़ा सा बिल्कुल पैच रहता है 1600 के नंबरों तक, 1600 के जो नंबर्स आ रहे हैं बी ब्लॉक के 2550 के, बेसिकली ये वो वाला एरिया है जो कि अभी रहता है। बाकी 1500 तक इन्होंने रिसेंटली एरिया क्लियर किया है और अब आप देख भी सकते हैं अच्छी खासी कटाई भी लगी है, अच्छा खासा एरिया इन्होंने लेवल भी कर दिया है। और इस एरिया की अगर आप बात करें तो MR6 के ऊपर आपके ये एक स्ट्रेट बिल्कुल पट्टी आ रही है जो आपके 1400 के नंबर्स हैं, ठीक है। और उसके उसी पट्टी की बैक साइड पर देखें तो ये आपके जो एरिया है 1200, ये बेसिकली आपके 1200 के नंबर्स हैं। अब इन्होंने गलियां भी वैसे टेम्परेरी निकाल दी हैं। फिर ये सारा एरिया 1200-1300 के एरिया, सारा एरिया आपको टोटली मतलब पोजेशन में आ चुका हुआ है। लाइक यू समझे 1200 सीरीज से लेकर और 1500 सीरीज तक वो जो कब्रिस्तान है वहाँ तक इन्होंने सारा एरिया क्लियर करके पोजेशन ले लिया है और अब इस पर अच्छी खासी कटाई लगी हुई है। और बीच में ये जो आपको घर नज़र आ रहे हैं, ये घर इन्होंने अब वो लगे हुए अब डिमोलिश करने में, डिमोलिश हो रहे हैं बाय द वे, ठीक है। तो इसको भी गिरा देंगे तो ये सारा एरिया आपका फिर जो है ऑन ग्राउंड लेवल हो जाएगा, पोजेशन में आ जाएगा। और 1200-1300 के सारे नंबर्स जो है ना आपको इंशाल्लाह आने वाले चंद हफ्तों में ऑन ग्राउंड आपको गलियां कटी हुई बाकायदा तौर पे नज़र आएंगे। बहुत अच्छा एरिया है, बी ब्लॉक के MR6 के ऊपर आ रहा है, प्राइम लोकेशन बनती है। बट बाकी है कि यही आपका MR6 थ्रू करेगा आपके MR7 को, जो के बीच में ये 1600 के नंबर्स रहते हैं जो कि अभी नॉन पोजेशन है। तकरीबन इसका भी इन्होंने कब्ज़ा ले लिया है मगर अभी तक इन्होंने वो थ्रू नहीं किया। जैसे ही कब्ज़ा होगा तो ये आपको टोटली आपका जो MR6 है वो आपके बिल्कुल मतलब बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, फिर ज़रा बराबर भी बीच में आपकी वो हर्डल्स या नॉन पोजेशन ये नहीं होगा। तो आप देखेंगे आने वाले चंद हफ्तों में ये आपका टोटली MR6 क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आपकी ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है अभी टेम्परेरी तौर पर, तो यूँ लग रहा होगा कि जी ये नॉन मतलब कब्ज़ा क्लियर नहीं हुआ, बट आप देखेंगे आने वाले चंद दिनों में ये सारा एरिया डिमोलिश होकर ऑन ग्राउंड लेवल हो जाएंगे और गलियाँ भी आपको बाकायदे तौर पर कटी हुई नज़र आएंगी। सो इसी तरह से ये आपका सारा एरिया 5 मरले का प्राइम लोकेशन पर बनता है। और इसी तरह से ये MR6 पहले जो अगर आप देखें तो बिल्कुल पहाड़ों के दामन में ज़बरदस्त प्राइम लोकेशन बनती है। और जो लोग कहते थे कि जी पानी का इशू है तो फिर आप ये देख लें यहाँ से इस टाइम करने पानी लिया है अपनी बोरिंग है फैसिलिटी की, तो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की मतलब ये लोकेशन है। पानी का ज़रा बराबर भी इसमें वो नहीं है कि पानी का क्या बनेगा क्या नहीं होगा, या ले कर तो पानी का कि फ्यूचर में मसला बनेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। तो बाकी ये एरिया बीच में कुछ हाइटेड भी है, सॉलिड भी है, और भी कुछ आप इसको मतलब डिप्रेशन भी कह सकते हैं। ये वैसे थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो इसको आप डिप्रेशन वैसे भाई भी नहीं कह सकते, ये जेन्युइन लैंड है। तो सो अगेन अगर आप इस तरफ से देखें तो आप ये 3570 के एरिया है, फिर आपका वो 4080 का भी एरिया ये सामने वाला, और इसी तरह से ये 3570 भी शुरू के नंबर जो है ना बीच में थोड़ा सा वो डिप्रेशन आ रही है 3570 के नंबर में, मगर ये है कि एरिया बहुत अच्छा वाइज है ये। तो सो अगेन ये थोड़ी सी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट थी और जहाँ तक इन्होंने 1500 तक इन्होंने क्लियर कर दिया, कटाई भी लगी हुई है बीच में। बाकी ये आपको कब्रिस्तान नज़र आ रहा होगा, ये थोड़ी चंद एक कब्रें हैं मे बी के इसके वो ये सारा एरिया इन्होंने इनके पास मौजूद है, कब्ज़ा ले लिया हुआ है। सो अगेन इन शॉर्ट एट देंड यही है कि आप प्लीज़ कोई भी इंफॉर्मेशन आपके रिक्वायर्ड हो लाइक फैसिलिटीज में रिगार्डिंग फैसिलिटीज, तो उसके लिए आप मुझे प्लीज़ ज़रूर अप्रोच कीजिएगा और इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपडेट रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।